गाइस अभी मुझे लग तो नहीं रहा है कि हम लोग मूवी जा पाएंगे, क्योंकि शाम हो चुकी है, लगभग 4 बजने वाले हैं अभी यहीं पर, और अभी ऑफिस पर ही हैं हम। लगभग आज 2 विजिट ऑलरेडी हो चुकी हैं, तीसरी विजिट आ रही है, एक और फ्लाइट आ रहे हैं। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आशीष सैनी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग आए हुए हैं खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज एकादशी का दिन है और मैडम जा चुकी हैं अभी अंदर की तरफ, और एक ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ है। बाबा के दर्शन तो हम लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन अभी मैं चल के आपको दिखाता हूँ, बाबा के दर्शन कराते हैं। और एक ग्रुप यहाँ पे कीर्तन करने के लिए बैठा हुआ है, तो अभी दिखाते हैं आपको उन्हें भी। तो गाइस कीर्तन वगैरह हो रहा है, बहुत धमाकेदार कीर्तन हो रहा है, क्योंकि लखनऊ का ही एक ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है किसी का, और सब अपने फ्रेंड सर्किल में हैं। सारे भक्त जो दर्शन करने आ रहे हैं सब बैठते जा रहे हैं और भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा है, स्पेशली जो लोग ढोलक बजाने वाले हैं, जो साज बजा रहे हैं, बहुत बेहतरीन साज बजाने वाले हैं, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, दर्शन लेकिन बाबा के हो चुके हैं, अब निकल रहे हैं घर के लिए, और शाम को अगर कुछ एक्स्ट्रा प्लान होता है तो शायद वो भी दिख पाते हैं आपको। चलते हैं। गाइस अभी मुझे लग तो नहीं रहा है कि हम लोग मूवी जा पाएंगे, क्योंकि शाम हो चुकी है, लगभग 4 बजने वाले हैं अभी यहीं पर, और अभी ऑफिस पर ही हैं हम। लगभग आज 2 विजिट ऑलरेडी हो चुकी हैं, तीसरी विजिट आ रही है, एक और फ्लाइट आ रहे हैं साइट देखने के लिए। तो अब जाना है वहाँ पर भी, और उसके बाद घर पहुँचते पहुँचते टाइम हो जाएगा। शाम के कोई भी टिकट सब अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबिलिटी मिल रही है वो रात की 10-11 बजे के आसपास की मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि उस टाइम पे चलने के लिए कोई भी तैयार हो पाएगा, और क्योंकि भाभी और मैडम लगभग सभी लोगों को चलना था, मैं अभिषेक भाभी मैडम इन सब का प्लान बन रहा था जाने के लिए। और अभी हम और अभिषेक आए हुए हैं, यहाँ पे भूख लग रही थी बहुत जोर की, तो अपने सड़िया चौराहे पे फिर से आ चुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, उसके बाद लास्ट निकलेंगे घर, और फिर थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह भी देखना है, तो अगर मूवी शायद नहीं जा पाएंगे। अब चलते हैं, कुछ सामान वगैरह परचेज करना था, थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो सब निपटा करके उसके बाद घर निकलते हैं। कल मैडम निकल रही है, अपने घर प्रस्थान कर रही है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 बज रहे हैं इस टाइम पे, और मार्केट गए तो थे लेकिन जहाँ गए थे वहाँ कुछ भी समझ में आया नहीं, और उसके बाद अभी एक शॉपिंग करके आए हैं छोटी सी, और ये है इसके अंदर है वो शॉपिंग, वो भी आपको नहीं दिखाएंगे। और ये एक्चुअली हमारी मीठी का बर्थडे आने वाला है, तो ये उनके लिए सरप्राइज है, और मीठी आज का ब्लॉग देखेंगी तो समझ जाएंगी। फिलहाल मीठी इसको देख करके बताना कि तुमको कैसा लगा। और फूफा अकेले गए थे लेने, बहुत कंफ्यूजन के बाद लेकर के आए हैं, तो उम्मीद यही करते हैं कि तुम्हें अच्छा लगेगा। बाकी इनकी खुशी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इनके इस खिलखिलाते चेहरे से, क्योंकि कल मैडम जा रही हैं अपने घर, और बाकी इसके आगे क्या ही कहने हैं। इनके खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके चेहरे से, और मेरी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे चेहरे से। चेहरा फिलहाल ऐसा ही है, और अब थक गए बहुत ज्यादा, तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल चेंज करने के लिए, कुछ देर के बाद मिलते हैं।
गाइस अभी वेव मॉल पे आए हुए हैं और ऑनलाइन टिकट्स तो हर जगह के हाउसफुल दिखा रहे हैं, रात के शो का कोई मतलब नहीं है। अभी अभिषेक लगे हुए हैं रो में और कल मॉर्निंग का शो ले रहे हैं 9 बजे का, तो अब अर्ली मॉर्निंग ही देखना पड़ेगा क्योंकि कल ही मैडम को निकलना भी है। तो ये है बॉक्स ऑफिस यानी कि वेव मॉल की विंडो, तो विंडो टिकट से ही काम चलाना पड़ रहा है अपने को। गाइज अभी टाइम हो रहे हैं रात के 9:30 बजने वाले हैं और अब जा करके एक कप चाय मिली है क्योंकि मैं शाम की चाय नहीं पी पाया था। और मैडम लुक कर रही हैं अभी तैयारी फलारी की अपनी, क्योंकि उनका है आज फास्ट और बाकी ये तो हमारे साथ बैठे ही हुए हैं। फिलहाल कल मॉर्निंग का प्लान बना है फाइनली मूवी का, आज सुबह से ही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली कि कब जाना है कब नहीं। हाँ ये अच्छा है, पूछो पूछो सबसे अच्छा है, ये अच्छा है। तो गाइज इनको बता दीजिए कि इन्होंने जो पहना है वो अच्छा है, वो अच्छा है, पूछो। अच्छा अब बाय कर लो, बाय करने का टाइम आ गया है, बाय। सो गाइज अभी ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं कल एक, टेक केयर, देख रहे हैं इनको ये टेक केयर बोल रहे हैं। सो कल का प्लान है मूवी का, तो मॉर्निंग में 9 बजे ही निकलना है क्योंकि 9 बजे का ही शो मिला है। भाई साहब बहुत ज़्यादा हाउसफुल जा रही है गदर 2 और हम लोगों का प्लान अभी है कि रात में भी एक बार थोड़ा सा 1-1.5 घंटे बैठ करके रिमाइंड करेंगे गदर 1 को फिर से, और बैठ करके सब लोग एक बार उसको फिर से देख लेंगे, तब जो है गदर 2 देखने का मज़ा कुछ अलग ही आएगा। तो खाना वाना करने के बाद में लास्ट में भी रात में बैठ करके एक बार हम लोग देखेंगे इन सबको सुला करके। तो मिलते हैं कल फिर से एक बेहतरीन ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।